हार्ट ब्रेक के पीछे क्या छुपा होता है, वो एक पेनफुल रियलिटी है जो काफी कपल्स आजकल फेस कर रहे हैं। रीजन तो कई हो सकते हैं, पर आज हम 10 मेन कारण जानेंगे चीटिंग के, बेवफाई के, जो एक पार्टनर रिलेशनशिप में दूसरे पार्टनर के साथ करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन, ये सबसे कॉमन कारण है बेवफाई का एक रिलेशनशिप में। जब एक पार्टनर अपने आप को अनफुलफिल्ड और निग्लेक्टेड फील करता है सेक्सुअल एस्पेक्ट को लेकर, फिर वो कहीं और इंटीमेसी को ढूंढता है। अपॉर्चुनिटी, ये एक और मेजर कारण है बेवफाई का। जब एक पार्टनर फ्रीक्वेंटली घर से दूर रहता है और वो नए और एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फेस करता है, नए लोगों से मिलता है, तब चीट होता है। बॉर्डम, ये भी एक मेजर कारण है बोरियत दूर करने का। कपल को लगता है कि अब उनके रिलेशनशिप में कोई स्पार्क नहीं रहा, तब वो किसी और के साथ न्यू एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। इमोशनल डिसकनेक्शन, जब एक पार्टनर डिसकनेक्टेड फील करने लगता है तब वो इमोशनली किसी और के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। ऐसी कोशिश इमोशनल और फिजिकल अफेयर को बढ़ावा देती है जो एक रिलेशनशिप को तोड़ देता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जब कपल एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते, अपने दिल की बात शेयर नहीं करते, तब वो डिसकनेक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो इमोशनली अनफुलफिल्ड फील करते हैं। फिर लोनलीनेस और डिजायर फॉर इंटीमेसी इंक्रीज करता है इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन किसी और से बनाने के लिए। लो सेल्फ एस्टीम, जिन लोगों में सेल्फ एस्टीम की कमी होती है वो बड़ी जल्दी दूसरों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे ही कोई उन्हें अटेंशन दे, कॉम्प्लीमेंट दे और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है, उन्हें एक्साइटमेंट और नयापन फील होता है। ये उन लोगों के साथ होता है जो अपने रिलेशनशिप में अनफुलफिल्ड और अनएप्रिशिएटेड फील करते हैं। अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रिलेशनशिप, जब कपल्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो और वो रिजॉल्व भी ना हो, तब इमोशनल डिस्टेंस बढ़ जाता है उनमें, जो उनकी ट्रस्ट तोड़ देता है एक दूसरे के प्रति। ये डिससेटिस्फेक्शन फिर इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन बनाती है किसी दूसरे के साथ। एडिक्शन, जब एक पार्टनर को किसी चीज की एडिक्शन हो तब उसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, तब फ्रस्ट्रेशन एंगर वाली फीलिंग आ जाती है, तब वो पर्सन इमोशनली और फिजिकली अनअवेलेबल रहता है, जिसकी वजह से दूसरा पर्सन इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी कहीं और ढूंढता है। फियर ऑफ कमिटमेंट, कभी कभी कमिटमेंट की वजह से एक इंडिविजुअल ट्रैप्ड और सफोकेटेड फील करता है एक रिलेशनशिप में। इवन वो अभी तक प्यार भी करता है अपने पार्टनर से, पर जब वो किसी और के साथ होता है तब वो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस फील करता है उसके साथ। लैक ऑफ लव और पैशन, जब एक पार्टनर में पैशनेट लव की कमी होती है तब वो भी एक कारण बन जाता है मैरिज और रिलेशनशिप में चीटिंग का। अगर आपके साथ बेवफाई हुई है तो उसके साथ डील करना काफी कॉम्प्लेक्स और इमोशनली चैलेंजिंग प्रोसेस है। इसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। थेरेपी से हील होने के लिए टाइम लो, दोबारा ट्रस्ट बनाओ, बात करो खुल के और सच्चाई से, खुद की फीलिंग्स और नीड्स को भी इम्पोर्टेंस दो। आपकी क्या सोच है बेवफाई के बारे में, कमेंट बिलो। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।